बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर नुमान अस्कर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी, डीपीएस एंड कॉलेज साहिवाल। मैं आप सबको डीपीएस एंड कॉलेज साहिवाल की डिजिटल क्लासेस में खुशामदेद कहता हूँ। आए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो एज वी नो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में बायोलॉजी के वर्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर चुके हैं, जिसमें बायोस मींस लाइफ एंड लोकोस मींस टू स्टडी। नाउ इफ वी एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी ब्रॉडली, देन इट विल बी द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स इट अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे। सो बायोलॉजी लिविंग थिंग्स की स्टडी है और उन नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है जो लिविंग थिंग्स पे अफेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से। अब इसमें एक डायग्राम आपके सामने है, इसके बारे में थिंक ओवर करें कि इसमें आपको क्या कुछ ऑब्जर्व हो रहा है। आप देख सकते हैं प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और इसके साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग में आपने इसमें ऑब्जर्व किया वाटर। अब ये हम सब जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स पानी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक और नॉन लिविंग थिंग दैट इज एयर। हम ये जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर के लिए। इसी तरीके से एक और नॉन लिविंग थिंग है दैट इज सॉइल। अब सॉइल जो है वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है। तो इससे हमें ये बात साबित हुई कि बायोलॉजी लिविंग थिंग्स की स्टडी है और उन नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है जो लिविंग थिंग्स पे किसी भी तरीके से असरअंदाज होते हैं। अब हम लाइफ की डेफिनेशन को देखते हैं। लाइफ की डेफिनेशन है अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात का एक ऐसा सेट है जो डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, जिसमें डेड ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं। तो वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, आए उनको देखते हैं। सबसे पहला करेक्टर है हाईली ऑर्गेनाइज्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया कि सब एटॉमिक लेवल से एटॉमिक लेवल आता है, एटॉमिक लेवल से मोलेकुलर लेवल आता है, मोलेकुलर लेवल से ऑर्गेनेली लेवल आता है, ऑर्गेनेली लेवल से सेल लेवल आता है, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल और उसके बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं और इसी तरह वो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज भी हैं, यानी के पेचीदा ऑर्गेनाइजेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की। लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट कैरेक्टर है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। एक सेल का मतलब ये है कि जैसे यूनिसेलुलर है लाइक बैक्टीरिया, जो आप अपनी नेक्स्ट चैप्टर्स में बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। इसी तरीके से मल्टी सेलुलर है जैसे प्लांट्स एंड एनिमल। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सेल से भी बने हुए होते हैं
और एक से ज्यादा सेल से भी बने हुए होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है, इनके अंदर विरासत का अमल होता है। ये डीएनए और आरएनए कोड्स की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन कोड्स को हम कलेक्टिवली जीन्स कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने ये स्टडी किया है कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो एनर्जी की फॉर्मेशन करती है और वो जिस एनर्जी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करती है उसे हम एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये एटीपी यूज भी किया जाता है और बनाया भी जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट कैरेक्टर है कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म सेलुलर लेवल पे भी होता है जिसे हम सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो उसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कैन ग्रो इन साइज। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वो साइज में ग्रो करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में दो तरह की ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जाता है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ जो कि लेंथ में इंक्रीज होना, और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ जो कि विड्थ में इंक्रीज होना। अब इसी तरीके से एनिमल्स की अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहले उसका साइज छोटा होता है और जैसे जैसे उसके ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है तो उसकी बॉडी का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट कैरेक्टर है मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये कलेक्टिवली इसको नाम दिया जाता है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस जिसमें आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन से इंटरनल एनवायरनमेंट का मेंटेन होना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, जैसे अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है और फिर हम पानी पीते हैं। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि सेलुलर लेवल पे चेंज आया, सेल के अंदर पानी की कमी हुई और उसके बाद हमने पानी का इंटेक किया, उससे सेल की पानी की कमी पूरी हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देमसेल्फ। अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू होमियोस्टेसिस। जैसे अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है स्वेट ग्लैंड से स्वेट को रिमूव करके, जिससे हीट रिलीज होगी और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन हो जाएगा। तो ये करैक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के,
ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो आपने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं और इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज दी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब सबसे पहले हम उन ब्रांचेस को स्टडी करेंगे जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ जो ऑर्गेनिज्म का एक रिलेशनशिप होता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टिल इट इज हैच्ड और बॉर्न। इसका मतलब हैच का मतलब अंडे से बाहर आना, तो डिवेलपमेंट है एम्ब्रियो की। इसके बाद एम्ब्रियो क्या होता है, ये डिवेलपमेंटल स्टेजेस हैं एक ऑर्गेनिज्म की फ्रॉम जाइगोट टिल इट इज हैच्ड। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम हार्ट की एग्जांपल लें तो हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब कोई भी पार्ट, जैसे अगर हम कोई भी ऑर्गन को स्टडी करना चाहते हैं तो अगर हम उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। जैसे अगर हम स्टडी करना चाहेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर को तो दैट कम्स अंडर एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच इज हिस्टोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया हुआ टिश्यूज के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तो उन सब टिश्यूज की जो स्टडी है वो हिस्टोलॉजी के अंदर आती है। इसी तरीके से नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशन विद एवोल्यूशन, इर्तका के साथ जो उनका एक रिलेशनशिप बनता है। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, वो रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखते हैं एवोल्यूशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मोर एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपल एंसेस्टर्स थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस। आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती है और सिंपल अबाउज दाद यानी कि सिंपल एंसेस्टर से मोर एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना एवोल्यूशन कहलाता है, जिसे हम उर्दू में इर्तका का अमल कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर्स, विरासती खसूसियात का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रांच है जू जियोग्राफी, दैट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स की डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ में, इसे हम जू जियोग्राफी कहते हैं। अब नेक्स्ट है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो आप अपनी एफएससी की पार्ट वन की क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले मोलेकुलर बायोलॉजी। मोलेकुलर बायोलॉजी को बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स एट मोलेकुलर लेवल। मोलेकुलर लेवल पे ही स्टडी इस क्यों किया जाता है, मोलेकुलर लेवल पे इसलिए स्टडी किया जाता है क्योंकि ये सबसे स्टेबल लेवल होता है एज कंपेयर टू अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे प्रोटीन्स की स्टडी, न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी,
कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी और लिपिड्स की स्टडी। नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरमेंट इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ एक ताल्लुक है और स्पेशली इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो उसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस में जो डिफरेंस है वो हमें एनवायरमेंटल साइंस की डेफिनेशन से समझ आएगा। एनवायरमेंटल साइंस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम तमाम साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी। और जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं कि पोल्यूशन का फिजिकली क्या इफेक्ट होगा, केमिकली क्या इफेक्ट होगा और बायोलॉजिकली यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या इफेक्ट होगा, तो दैट इज एनवायरमेंटल साइंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ऑब्वियसली नाम से समझ आ रही हमें, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्जी एंड फंजाई। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि एल्जी और फंजाई के साथ हमने माइक्रोस्कोपिक का वर्ड यूज क्यों किया, तो इसका आंसर है कि एल्जी और फंजाई माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। इसका मतलब वो एल्जी और फंजाई जिनको हम अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फ्रेश वाटर बायोलॉजी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनकी स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहा जाता है। अब वो फ्रेश वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं। अब इसमें हम फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं उन वाटर बॉडीज की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे असरअंदाज होते हैं। टेम्परेचर है, पीएच है वाटर बॉडीज का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असरअंदाज होगा उसकी स्टडी हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म के अंदर करेंगे। इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं? जैसे कि स्टडी ऑफ क्रोकोडाइल्स, स्टडी ऑफ कैटफिश, ये सब जो है वो फ्रेश वाटर एनवायरमेंट में रहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रांच है मैरीन वाटर बायोलॉजी, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साल्टी एनवायरमेंट में रहते हैं उनकी स्टडी को मैरीन वाटर बायोलॉजी कहा जाता है। उसमें भी हम फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे असरअंदाज होते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स है शार्क की स्टडी और सी हॉर्सेस की स्टडी। तो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स सॉल्टी एनवायरमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी, दैट इज सिंपली द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए। अब इसमें कौन कौन सी चीजें जो हम स्टडी कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर, के पैरासाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, पैरासाइट की मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होगा, लाइफ हिस्ट्रीज, पैरासाइट के लाइफ साइकल्स क्या है और पैरासाइट का होस्ट के साथ रिलेशनशिप क्या है। तो ये चारों पैरामीटर्स पैरासाइटोलॉजी के प्लेटफॉर्म के अंदर स्टडी किए जाते हैं।
आप एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्लास्मोडियम, लाइस। अब नेक्स्ट क्लासेस में आप ये स्टडी करोगे कि पैरासाइट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर सरवाइव करते हैं, एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो प्लास्मोडियम है वो एंडो पैरासाइट है और जो लाइस है वो एक्टो पैरासाइट है। तो नेक्स्ट ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी, दैट इज सिंपली द स्टडी ऑफ मैन। ह्यूमन से रिलेटेड हम किसी भी चीज को स्टडी करेंगे तो वो ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आएगा। जैसे हम देखते हैं फंक्शन, ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन के सेल्स के फंक्शन, ह्यूमन के टिश्यूज के फंक्शंस, ह्यूमन के ऑर्गन्स के फंक्शंस, वो सब ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आएंगे। जैसे हिस्टोलॉजी, ह्यूमन के टिश्यूज को स्टडी करना ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आएगा। ह्यूमन के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आएगा। मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना, एवोल्यूशन को स्टडी करना, जेनेटिक्स को स्टडी करना, सेल बायोलॉजी ऑफ ह्यूमंस को स्टडी करना, तो वो ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आएगा। और इसी तरीके से इकोलॉजिकल स्टडीज, यानी कि एनवायरमेंट पे ह्यूमंस का क्या अफेक्ट होता है, तो वो भी ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी यानी कि मुआशरे को स्टडी करना, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि एक इंसान का अपने मुआशरे के साथ कैसा रवैया है और वो अपनी कम्युनिटी में कैसी लाइफ गुजारता है, इस सबको हम सोशल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स दैट वी कैन यूज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वी कैन अप्लाई अ साइंटिफिक नॉलेज ऑन इट। तो इसकी डेफिनेशन को इस तरह से देख सकते हैं हम, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो ह्यूमंस की, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम और प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि यीस्ट का इस्तेमाल करके हम ब्रेड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसी तरीके से बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम योगर्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम इंसुलिन की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक वास्ट फील्ड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जाती है इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए। अब हम और ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं जो आप नेक्स्ट क्लासेस में भी डिस्कस करोगे, जैसे बायोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ मसल, माइकोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ एल्गी। अब देखते हैं कि आपने क्या कुछ लर्न किया अभी तक इस वीडियो को देखकर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल डील विद द लाइफ प्रोसेसेस एंड फंक्शन ऑफ प्रोसेसेस, वो हम क्या कहते हैं, ऑप्शंस आर फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन। सोचें, थिंक ओवर इट। फिजियोलॉजी क्या है, हमने अभी स्टडी किया, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। पैथोलॉजी डिजीज को स्टडी करना, हिस्टोलॉजी टिश्यूज को स्टडी करना, एवोल्यूशन इर्तका को स्टडी करना। तो कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन ए, वेरी गुड। नेक्स्ट, द वेक्टर ऑफ मलेरिया आई स्टडीड इन। अब वेक्टर क्या चीज होती है जो किसी भी कॉजेटिव एजेंट को कैरी करे, तो इसमें ऑप्शंस हैं फिजियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी या एवोल्यूशन। सोचें, तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है
उसका वेक्टर उसको कैरी कौन करता है? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो क्या है? इंसेक्ट है। और उस इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। अब नेक्स्ट देखते हैं, द कॉज ऑफ मलेरिया स्टडीड। हम मलेरिया जिससे फैलता है, जो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है, वो किस में स्टडी किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में, पैरासाइटोलॉजी में, पैथोलॉजी में, या एवोल्यूशन में? तो इससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जब हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो मलेरिया की कॉज है प्लास्मोडियम, और प्लास्मोडियम हमने किसकी डेफिनेशन के अंदर स्टडी किया? पैरासाइटोलॉजी के अंदर। तो इट मींस इसका आंसर क्या होगा? पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस इज अ वायरस। इट इज स्टडीड इन हेपेटाइटिस, जो कि लिवर की इंफ्लामेशन को कहते हैं, इसकी कॉज एक वायरस है। अब इस स्टेटमेंट में यह भी बता दिया गया कि वो एक वायरस है। अब इसमें क्या ऑप्शंस आएंगी? माइक्रोबायोलॉजी आएगी, पैरासाइटोलॉजी आएगी, वायरोलॉजी आएगी, या पैरासाइटोलॉजी और वायरोलॉजी दोनों को कह सकते हैं हम? इसमें आपने सोचना यह है कि वायरस जो कि एक पैरासाइट भी है और इसको वायरोलॉजी के अंदर भी स्टडी किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। अब पास्ट पेपर से रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल टिश्यू डेवलपमेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको नोट करें और इसके बारे में सोचें, इसका आंसर फाइंड आउट करें। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, जियोलॉजी, जू जियोग्राफी। थिंक ओवर इट। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सोचें, थिंक ओवर करें। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर कलेक्टिवली इसको क्या कहते हैं? कौन सी ब्रांच में स्टडी किया जाएगा? मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, हिस्टोलॉजी में, या फिजियोलॉजी में? इसको सोचें, इसका आंसर फाइंड आउट करें। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, ये किस में स्टडी किया जाएगा? सोशल बायोलॉजी में, ह्यूमन बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, या मैरीन बायोलॉजी में? तो आपने इस पर थिंक ओवर किया। आई होप सो कि आप अपने सही आंसर्स को फाइंड आउट कर पाए हो। तो इसकी आंसर की भी आपको यहाँ पे मेंशन की जा रही है, तो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वन का आंसर है सी, टू का आंसर है डी, थ्री का आंसर है ए, फोर का आंसर है बी, और फाइव का आंसर है सी। अब आपको एक असाइनमेंट दी जा रही है पास्ट पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, जिसको आपने सॉल्व करना है इस वीडियो को लर्न करने के बाद। डिफाइन लाइफ एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलेकुलर बायोलॉजी विद एग्जांपल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड सोशल बायोलॉजी क्या है, एक्सप्लेन पैरासाइटोलॉजी। सो दिस इज एंड फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, एंड अल्लाह हाफिज़।